मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग डेटा से सीखने और कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। लेकिन यह सब रोबोट और सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसे एआई सिस्टमों में कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। आप रोबोट और सेल्फ ड्राइविंग कार को जानते होंगे, पर क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानते हैं? आईओटी एक विशाल नेटवर्क है जो भौतिक उपकरणों जैसे स्मार्ट दरवाजे और स्मार्ट थर्मोस्टेट से लेकर स्मार्ट घड़ियों जैसे डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं और डेटा जमा और साझा करते हैं। यह कनेक्टिविटी हमें उपकरणों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है और हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करती है। आप सोच रहे होंगे, उन सभी के बीच क्या संबंध है? रोबोट अक्सर दोहराए जाने वाले काम और मनुष्यों के साथ परस्पर बातचीत करते हैं, पर वे डेटा का बड़ा खजाना है। रोबोट की हर गतिविधि, इंटरैक्शन और काम को मूल्यवान डेटा में बदला जा सकता है। इंटरनेट का संबंध बस स्मार्टफोन या लैपटॉप से नहीं, यह बहुत व्यापक है। इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। कनेक्टेड होम से स्मार्ट अप्लायंसेस तक, इंटरनेट हर जगह है। कल्पना करें एक ऐसी टेक्नोलॉजी वाले रेफ्रिजरेटर की जो दूध खत्म होने पर घर लौटने पर दूध लाने का संदेश भेजता है। यह है आईओटी की शक्ति। अब सेल्फ ड्राइविंग कार को ही ले, ये वाहन बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र करते हैं और सड़कों पर सुरक्षित और कुशलता से दौड़ते हैं। यह डेटा एआई मॉडल को समृद्ध करता है और नवाचार और दक्षता से उपयोग करने की शक्ति देता है। तो जब आप आभासी दुनिया से जुड़ी इस भौतिक दुनिया को सोचें, तब याद रखें कि यह बस सुविधा के लिए ही नहीं, बल्कि डेटा की शक्ति से एआई मॉडलों को स्मार्ट और बेहतर भी बनाना है।